हाय फ्रेंड्स, बिहार और उसकी राजधानी पटना की एक खास पहचान है गोलघर, जो दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन आज हम पटना के उस टावर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। पटना में रहने वाले अधिकतर लोग भी इससे अनजान हैं। दोस्तों, मिलर स्कूल के पास ये है वो टावर जो अपनी ऊंचाई की वजह से काफी दूर से ही दिख जाता है। हाईकोर्ट के पीछे बना ये टावर दरअसल पुराना पानी टंकी है, जिससे हाईकोर्ट और आसपास के इलाकों में पानी सप्लाई किया जाता था। हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के साथ ही ये भी अस्तित्व में आया। बताया जाता है कि एएन कॉलेज के पास उस वक्त का इकलौता बोरिंग बनाया गया था, जिससे निकला पानी इस टंकी में चढ़ाया जाता था और फिर इससे सप्लाई किया जाता था। इसी वजह से हाईकोर्ट से लेकर एएन कॉलेज तक के इलाके को लोग बोरिंग रोड के नाम से पुकारने लगे। 1918 में 17 है ना, कहिए सर, अंतिम 18। अच्छा जिस समय हाईकोर्ट ही बना था ना, उसी समय इसका अति हुआ था। अच्छा, हाईकोर्ट के लिए ही, मतलब कि पूरे कर्मचारी के पानी सप्लाई के लिए यहाँ ही हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगल बगल में बोरिंग नहीं था। बोरिंग दिखा एन कॉलेज देख रहे हैं ना, वहीं पे बोरिंग था, वहीं से पाइप द्वारा यहाँ पानी चढ़ाया जाता था। अच्छा, और सप्लाई कर होता था। उसका बाद में धीरे 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 अब तो पूरे पटना में सप्लाई बोरिंग हो गया। ऐसा ऐसा चैम्बर देखिएगा, इस तरह का बोरिंग का हो गया। वहीं से वह पाइप आता था, यहाँ से आदमी लोग जाते आते थे वो बोरिंग पर, तो वह बोरिंग रोड नाम पड़ गया। कार्यालय के रूप में इसे पानी सप्लाई जो लाइन लीकेज मरम्मती होता है, वह सब गैता कुदारी रहता है, वो जब बैठते हैं अपना इंस्पेक्टर वगैरह। वक्त के साथ पटना में कई जगह बोरिंग का निर्माण हुआ और ये टावर यानी पानी टंकी पुराना होने के साथ अपनी प्रासंगिकता खोने लगा। आज पटना नगर निगम के जलापूर्ति विभाग के कुछ छोटे मोटे काम यहाँ होते हैं। हालांकि इसकी संरचना को देखकर इसकी मजबूती का एहसास होता है। जाहिर है, ध्यान दिए जाने और कुछ जरूरी मरम्मत किए जाने के साथ ये टावर एक बड़ा धरोहर साबित हो सकता है।